तुम आज ENT स्पेशलिस्ट से अपने कान चेक करवाना। सोचियो, साइकियाट्री के पास चली जाओ। अपने दिमागी खलल का इलाज करवाने? नहीं, ये पूछने कि इस घर की खामोशी इतनी काटने क्यों लगी है मुझे। क्योंकि किसी और के घर के बैंड बाजों का शोर दिमाग खराब कर रहा है तुम्हारा। मामा, शोर जिंदगी है और सन्नाटा मौत की अलामत। असल मौत तब पड़ती है जब इंसान को अपने ही घर में दो घड़ियां सुकून की ना मिले। सुकून इंसान के अंदर होना चाहिए, बाहर के शोर शराबों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सुकून सिर्फ कब्र में होता है, वो भी हर किसी को नसीब नहीं होता। चलो। अरे तुमने भी कुछ नहीं कहा उनको, क्यों? ठीक घर आए मेहमानों को ऐसे नहीं कहते। हाँ मेहमान, अरे वो तो बलाए जान थे, पहले तो चुप चुपाते निकाह कर दिया और फिर टपक पड़ी अपनी बेटी को लेकर। अरे तो हमारा बच्चा भी तो बच्ची पर फिदा है दिलो जान से। फिर इस बच्चे ने भी मौके पर चौका मारा है खूब। किस बच्चे ने? अरे इसने और किसने? क्यों? डायरेक्ट अपनी सास के हॉस्पिटल ले आए मुझे। तुम वो रास्ते में कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं यही ले आया आपको। हाँ, तुम्हारे चाचा ने भी यही कहा था दूसरे निकाह के वक्त कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने दस्तखत कर दिए। वाह। हाँ, मुझे माला ने कल रात बताया सब कुछ। हाँ, बड़ा कड़ा वक्त था वो। वैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारी अम्मी को जिसने सारा कच्चा चट्टा खोला उन फ्रॉडियों का और बाबू भैया के साथ मिलकर मेरी जान छुड़ाई उस राज्य खानदान से। लगता है तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, वापस चलते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो दोनों माँ बेटियां नौटंकी करी होंगी वहाँ पर। मुझे तुम्हारी वाली माँ बेटी से मिल लेने दो, उल्टी आ रही है मुझे। चाची प्लीज, ये उल्टियों के चक्कर में मेरी पहले से उल्टी हुई जिंदगी को मजीद उल्टा पुल्टा ना कर दीजिएगा आप। अरे माएं थोड़ी बिगाड़ती अपने बच्चों की बातों को। तो मुझे वैसे ही बहुत प्यारा था लेकिन गुल्लू भाभी के बाद ना, सच जानो मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी औलाद ही समझा। कभी फर्क रखा है तुम्हें और आशु में? चले ना, यहाँ से आइए।